नमस्कार, आज हम आपको मिलवा रहे हैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग एक्सपर्ट कृष्णा गुरुजी से। गुरुजी, आपका वेब दुनिया में स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग आखिर है क्या? धन्यवाद वेब दुनिया। झाला जी, जैसे आपका प्रश्न था कि डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग क्या है, आपको याद हो तो लास्ट ईयर में आपके आया था स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में, और आपने का प्रश्न था कि स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है, और मेरा जवाब था आपको कि मैं भी उसी प्रकार ढूंढ रहा हूं जिस प्रकार आप ढूंढ रहे हैं। ये सब नामों में ना उलझते हुए मैं आपको एक चीज बड़ी सिंपल बताऊं, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग आपकी सीधी पत्रिका से, एस्ट्रो चार्ट से कनेक्टेड है। सामान्यता हमारा जब भी विषम समय आता है, खराब समय आता है, अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, उस वक्त हमारा डेट ऑफ बर्थ या हमारा पत्रिका लेकर हम किसी ज्योतिष जी के पास जाते हैं, टेरोट कार्ड, हस्तरेखा, सबके पास जाते हैं, और अपनी समस्या का समाधान हम उसके माध्यम से ढूंढते हैं। ज्योतिष आपको कुछ उपाय देते हैं, हस्तरेखा वाले के कुछ उपाय देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं। आप उन उपायों को, उन सुझावों का पालन करके अपने आने वाले जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं उसको ठीक करते हैं। इस अनफेवरेबल सिचुएशन, विषम परिस्थितियों को ठीक कैसे करें, इसी का नाम है डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग। लेकिन इसमें आप अपने द्वारा ही अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, किसी व्यक्ति की मदद से नहीं करते हैं। गुरु, ज्योतिष के कई विधाएं हैं, लाल किताब है, हस्तरेखा है या कुंडली है, तो क्या इसको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग को क्या एक ज्योतिष का ही एक प्रकार माने? प्रकार ज्योतिष का माने आप, लेकिन है सब एक, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जिस प्रकार कहते हैं ना, प्रार्थना करना जरूरी है, किस तरीके से की जाए यह जरूरी नहीं। तो यह मेरे मन में प्रश्न चलता था कि भाई कब हम जैसे ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष हमको कुछ उपाय देता है हमारे ग्रह की विषम परिस्थिति, कोई दशा के चक्कर में तो हमें उपाय देता है, कोई वो उपाय हम करके आते हैं, वाकई हमें से लाभ भी मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में ज्योतिष एक विज्ञान के रूप में लिया जा रहा है, पूरे विश्व में एक विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया है। उसी वक्त मेरे मन में भी ख्याल आया कि जो उपायों के माध्यम से इंसान ठीक होता, आज क्या आप में आपकी ताकत से आप अपने आप की विषम परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं? हाँ, और इसका कनेक्शन सीधा एस्ट्रोलॉजी से झाला जी बराबर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह मिलाकर 9 ग्रह, कुछ लोग 2 ग्रह 3 ग्रह और जोड़ते हैं, कि इसके तालमेल को ऊपर ज्योतिष शास्त्र डिपेंड है। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कनेक्शन भी एस्ट्रोलॉजी से है, इसीलिए इसके नाम में डिवाइन के साथ एस्ट्रो का उपयोग किया गया। तो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो मैं तो इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि प्रोसेस तो एक 2 दिन का प्रोसेस है। इसमें 3 कोर्स है, मतलब डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग पार्ट 1। पार्ट 1 के माध्यम से आप अपने आप के शरीर की तकलीफों को, दर्दों को, अपनी परिस्थितियों को हील करते हैं, साथ ही आप अपने आसपास के वातावरण, जैसे कि आपका परिवार है, उसको हील करते हैं। दूसरी प्रोसेस में आप अपने हॉरोस्कोप के पूरे 12 घर जो है, 12 हाउसेस है, उन सबको एक एक को हील करते हैं। और तीसरी जो है डिवाइन एस्ट्रो हीलर, अगर आपकी रुचि रही तो आप चाहे तो उसके माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से आप चाहे तो डिवाइन एस्ट्रो हीलर ही बन सकते हैं। जैसा कि मैं आप ये काम कर रहा हूं, मैं लोगों को हील कर रहा हूं, मैं क्या कोई शक्ति मुझसे हील करवा रही है? वो शक्ति आप में भी मौजूद है, उस शक्ति से मिलाने का काम मेरा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से है। आप बताते हैं कि व्यक्ति खुद से खुद को जोड़ेगा, तो वो किस तरह से जोड़ सकता है आदमी खुद को खुद से? सामान्यतः आदमी खुद से खुद तो जुड़ा ही रहता है, बस विषम परिस्थितियों में उसका एहसास नहीं होता, उसको वो अपनी समस्या समाधान किसी और में देखता है। आदमी अपने आप से जुड़ा हुआ है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद कहीं भी जाते हैं, हम दोनों हाथ जोड़ते हैं,
मूर्ति को कुछ देर के लिए निहारते फिर आंखें बंद कर लेते। आपका आपसे जुड़ाव इसीलिए कई बार आप दिन भर करते हैं, लेकिन उसका एहसास कराना ये डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का काम है। और उसका एहसास के साथ साथ इसका भी एहसास कराना कि आप में वो पावर है कि आप अपनी समस्याओं को स्वयं हील कर सकते हो, स्वयं ठीक कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने परिवार की, आपके अपनों की और साथ ही साथ दूसरों की समस्याओं को भी हील कर सकते हो। बस आपको आपसे जुड़ने की जरूरत है, आपसे आप जुड़े हुए ऑलरेडी, बस जुड़कर ये प्रोसेस करवाना डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग पार्ट वन। जैसे एक ज्योतिषी होता है तो वो उपचार के तौर पे बताता है कि भाई आप गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, या फिर ये वाला नग पहनिए, ये रत्न पहनिए, तो क्या आप भी इसी तरह के उपचार बताते हैं कुछ? मैं सामान्यतः प्रणाम करता हूँ सब उपायों को, क्योंकि आज जैसे आपने उपाय बताया उस उपाय के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से आज की तारीख में इंसान अपने विषम परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश जरूर कर रहा है। हाँ 100% तो नहीं होता, क्योंकि ग्रहों की मार तो परमपिता परमेश्वर राम है, राम भगवान कृष्ण भगवान उन्होंने भी सब सहा है कि जहां 5 तत्व का शरीर आप लेकर आओगे तो ग्रहों की मार तो आपको झेलना है। मेरा एक सिंपल सा कि हमारे रावण हैं, रावण जी जो अपने साधना से प्रचंड पंडित मानते हैं, शिव अन्य तांडव का रचित करा जो आज की तारीख में हर शिव भक्त गाता है, उन्होंने अपनी साधना से 9 ग्रहों को अपने कब्जे में किया। मैं कब्जे की बात नहीं करता, ग्रहों को खुश करने के लिए ज्योतिष जो उपाय देता है आप करते हैं, आप करें, लेकिन साथ में क्या आप ये नहीं जानते कि आप में इतना तो पावर है कि आप अपनी साधना से, अपनी प्रोसेस से अपने ग्रहों को कब्जे में नहीं तो खुश तो कर सकते हैं, अपने ग्रहों को विषम परिस्थितियों में, विषम दशाओं में खुश करना, प्लीज करना, ये ज्योतिष उपाय के माध्यम से करता है, वो हम एक एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से करते हैं। आपने हीलिंग की 3 स्टेप बताई हैं, और आप जैसे बताते हैं कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं इसमें, ये ट्रेनिंग सशुल्क है या निःशुल्क है? ये पूरा निःशुल्क है। मेरा साइट है divinestrohealing.com, उस पर आप जाइए, आपको पूरा A to Z पता लगेगा। और मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा वेब दुनिया को कि आज प्रथम बार मैं वेब दुनिया के माध्यम से इस प्रोसेस को एक आम जनता तक भेज रहा हूं। तो गुरु जी, आपकी जो ये पूरी यात्रा रही है, ये कैसे शुरू हुई और अब कहां तक पहुंची है? मैं एक आम इंसान हूं, मैं सर्विस है मेरी LIC में, और एक आम इंसान के रूप में जीवन जीता हूं, लेकिन मन में प्रश्न जरूर रखता हूं कि कैसे वो व्यक्ति आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। एक आशीर्वाद कृपा को मानता हूं, लेकिन कृपा को भी हम 2 भागों में बांटे हैं, तो कृपा को कर फिर पा, तो करना तो आपको ही पड़ेगा, वो उपाय आपको बता दिए, उपाय आपको ही करना पड़ेंगे। किसके साथ? विश्वास के साथ, फेथ तो बहुत जरूरी है। इसी प्रकार मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा, गुरु शब्द का एहसास मुझे श्री श्री रविशंकर जी से हुआ, उसके बाद संस्था में काम भी किया, पर चूंकि मेरे प्रोफेशनल लाइफ रहती है, मैं LIC में भी सर्विस करता हूँ, 10:30 से 5:15 तक, 5:30 तक ऑफिस सही में रहता है। उसके बाद मैं कुछ ऐसे वाक्य हुए लाइफ में मेरे कि मेरी हीलिंग के माध्यम से लोग के असाध्य रोग दूर हुए, और उसी कड़ी में कुछ सेलिब्रिटी भी थे जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वही एक आम इंसान आज के जगत के लिए एक कृष्णा गुरुजी बन गया। लेकिन गुरुजी बन गया तो आप उसको चेंज ना करें, एक आम इंसान ही बने, आप में समस्त गुरु हैं, अगर आप एक माता हैं तो गुरु हैं, पिता हैं तो गुरु हैं, भाई हैं तो गुरु हैं, सखा हैं तो गुरु हैं, क्योंकि कहते हैं गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, ये सब रोल आप कर रहे हैं अपेक्षा रहित, तो वाकई आप एक गुरु का काम कर रहे हैं, और झाला जी वही काम मैं कर रहा हूं। यदि हम ज्योतिष की बात करें तो विज्ञान या विज्ञान से जुड़े लोग तो पूरी तरह इनकार करते हैं कि ज्योतिष जैसी कोई चीज है ही नहीं। विज्ञान स्वीकार कर चुका है, ज्योतिषी को विज्ञान स्वीकार कर चुका है, लेकिन जहां तक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग को स्वीकार करने के पहले मैं एक चीज बताऊंगा, बोले भगवान हो या आध्यात्म हो या कोई भी चीज हो, विज्ञान पहले प्रूव होता है,
फिर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. जैसे पता है कि भाई आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो पता लगा भाई, प्रूव करा, तो हमने किया. यहां पर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर ये प्रूव होगा. एक्सेप्टेंस देन इट प्रूव. लाइक ए वन एनिमल, आप कल्पना करें ज्वाला जी, एक कुत्ता है, एक पशु है, क्या छोटी छोटी बीमारी के लिए, परेशानी के लिए किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास जाता है? नहीं, वो अपने घाव खुद हील कर लेता है स्वयं, उसको शक्ति इतनी दी है. तो हम तो 5 तत्व का शरीर लेकर आए हैं, हमको तो इतनी शक्ति मिली है कि हम तो अपने को तो हील कर सकते हैं, साथ ही हम दूसरे को भी हील कर सकते हैं. वो सिखलाती है मेरी ये डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग. हम गुरु शब्द की ही बात करें तो हम समाज में देखते हैं कई नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिली खोए, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना खोए. झला जी मैं कह रहा हूं कि एक विश्वास अच्छी चीज है, अंधविश्वास में इससे शक्ति. जहां तक आपने जो बात करी वहां अंधविश्वास ज्यादा है कि मेरी समस्या का समाधान इनमें ही है, यही करेंगे. वो भी एक 5 तत्व के शरीर है, वो भी एक साधना कर रहे हैं, वो भी उसको पूज रहे हैं जिसको आप पूज रहे हो, वो भी किसी भगवान को पूज रहे हैं जिसको आप पूज रहे हो. तो ये जो नकारात्मक माहौल की आपने चर्चा की, उसके अंदर हमारा कहीं ना कहीं हमारा भी इन्वॉल्वमेंट पूरा है कि हमारा अंधविश्वास भी इसमें शामिल है. तो आप अंधविश्वास ना करें, पहले खुद पर विश्वास करें, अपने गुरु तत्व को खुद के अंदर देखें. तो गुरु तत्व क्या है सर? झला जी मेरा सोचना है कि गुरु एक माचिस की तीली के समान है. उसने माचिस की तीली आपके लिए जिम्मेदार इंपॉर्टेंस कब तक रहती है? जब तक वो आप कोई दिया नहीं जलाते. जब आपने दिया जलाया, आप वो तीली को फेंक देते हैं. वही गुरु की कहा है, गुरु का ने आपके ज्ञान का दीपक जला दिया, आपको प्रकाशमय कर दिया, आप अपने आप जुड़कर अपनी साधना से जुड़े रहें. और उसके बाद ये प्रयास करें कि वो उस गुरु के आगे पीछे घूमने की बजाय, कई लोग धोख लगाने में लाइन लग रहे चाह रहे, वो करने के बजाय जो गुरु ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को फॉलो करके अपना जीवन सुधारे. जैसा कि आप बताते हैं कि विदेशों में भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो किस तरह के लोग हैं? मतलब हिंदुस्तान के लोग हैं या वो बाहरी लोग भी हैं? मैं तो सब व्यक्ति एक ही है, अपने आप को कभी देश विदेशों से बांधता नहीं, मैं सीमाएं बांधता नहीं. ओवरऑल वो मलेशियन हो, हांगकांग का हो, सिंगापुर का हो, कहीं का भी हो, ओवरऑल एक 5 तत्व का शरीर लेकर आया है. रंग थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, भाषा थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन अंदर एक आत्मा जो होती है, सोल जो होती है, वो तो एक ही है. वो भी उसको वही दुख दर्द तकलीफ परेशानियां होती हैं. ज्यादा फिजिकल कंफर्ट उसको ज्यादा है, किसी को कम है. मेरा विदेशों में, आपने बात की, विदेशों में जाना हुआ, बड़े बड़े घरों में जाना हुआ, लेकिन बड़े बड़े घरों में जाने के बाद भी मैंने जिस प्रकार की समस्याएं देखी, उस समस्याओं से देख के ये लगता है कि भगवान मैं कितना ब्लेस्ड हूं, मैं कितना खुश हूं. तो देश विदेश में भी हम, आप और हम जैसे लोग ही रहते हैं जो किसी न किसी तकलीफ से ग्रस्त हैं, उन लोगों को मैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग पार्ट 1 के माध्यम से जोड़ चुका हूं. कृष्णा गुरु जी के माध्यम से हमने जाना कि एस्ट्रो हीलिंग क्या है और इससे क्या फायदा होता है. देव दुनिया में आने के लिए मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे. नमस्कार. नमस्कार.